अलवर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत जिले में आज कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 18 लाख से अधिक लक्षित बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जा रही है। उसी को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा मन्नी का बर सरकारी स्कूल में बच्चों को जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने दवाई खिलाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि दवाई से पेट में कीड़े से निजात दिलाने वाली ये दवा सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों मदरसों कॉलेज प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को और गैर स्कूली बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर निशुल्क खिलाई जा रही है। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए ब्लॉक स्तर पर ये दवाई खिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण है जिसके कारण से पेट की आंतों में कृमि उत्पन्न होने से शरीर के पोषक तत्वों का वे खा जाते हैं। ये इसके कारण खून की कमी कुपोषण के साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि सभी लाभार्थी बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली थी। उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से संपूर्ण जिले में सभी लाभार्थी बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्मेडाजोल खिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मॉप अप राउंड 11 सितंबर को आयोजित कर पहले दिन दवा खाने से छूट गए उन बच्चों को दवाई खिलाई जा सकेगी। स्कूल चुनाव कैसा रहा और आगे कैसा रहा? नहीं, ये जैसा मैडम कह रही थी कि ये अलवर के हृदय में स्कूल है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड स्कूल है और बच्चे यहाँ पे सभी वर्गों के बच्चे यहाँ पे आते हैं और ऐसे बच्चों के बीच में आकर के अच्छा ही लगता है। और ये सीएमओ साहब ने विद्यालय में यहाँ पे कार्यक्रम रखा, ये कार्यक्रम सफल हो और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और आगे बढ़े और राष्ट्र के भविष्य में अपना योगदान। आपके निर्देशन में स्कूलों की दशा सुधर रही है, मैडम ने कुछ मांगे रखनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने दो इशू रखे तो वो दोनों इशू फिजिबल है, किए जा सकते हैं, तो मैं अपने अधिकारियों से बात करके दोनों को ही करवाने की कोशिश।